तो आपने डाउनलोड फोल्डर में देखिए अब्रार, आपके आपने जावा अगर डाउनलोड किया है तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका, हाँ, डाउनलोड फोल्डर है, इसमें आएगा आपने जो भी डाउनलोड किया है। जे टाइप कीजिए जे, या तो आप ब्राउजर पे जाइए। हाँ ये आया है, आप राइट क्लिक करके, लेकिन ये आपके 32 बिट के लिए नहीं कंपेटेबल होगा ना, ये नहीं एरर दे होगा, रहा, नहीं होगा ना। एरर। हाँ नहीं आपको ना मैंने जो एक लिंक दी है, नहीं वो डाउनलोड कर दीजिए किसी और का, मैं तब तक इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। चलेगा सर। मैंने आपको एक लिंक भेजी है आपके व्हाट्सएप पे, तब तक आप स्टॉप कर दीजिए आपकी शेयरिंग। ठीक है सर। सबसे पहले जावा डाउनलोड, जावा डाउनलोड कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। अब्रार मैं आपको वो जो लिंक भेजी है, अगर वो आप ट्राई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखो सिंपल है जावा, या आप यहाँ पे लिखे JDK 8 ऐसे टाइप करोगे तो आपको ये ओरेकल, ओरेकल का जो डाउनलोड सेशन है ना जावा, इस पे ये पेज आपको मिलेगा। ये लोड होने के लिए कुछ सेकंड्स लेगा। नीचे देखो ये जावा की वर्जन 17 है, ये 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लैपटॉप में नहीं चलेंगे, तो आपको नीचे आना है, जो ओल्डर आपको चाहिए उसके लिए नीचे वाले इसमें आना है आपको। यहाँ पे रहेगा नीचे, ये देखो यहाँ पे जावा 11, जावा 8 ये ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिनक्स है, मैक है, सोलरिस है, विंडोज है, तो यहाँ पे आपको विंडोज पे क्लिक करना है। देन विंडोज पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट की है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये वाला x86 यानी 32 बिट वाला अभी यहाँ पे, और अगर आपका 64 वाला है तो आपको ये वाला नीचे वाली जो है वो आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। अब्रार के केस में ये 32 बिट की है तो यहाँ पे हमें करना होगा, हम लोग इसे आई रिव्यूड करेंगे एंड देन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए ना आपको ये ओरेकल पे आपका अकाउंट होना चाहिए, जैसे आप फेसबुक का या ट्विटर का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जाइए, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, आपको ये अकाउंट क्रिएट करके मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर हो, अगर आपका यहाँ पे ऐसे, अगर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल दूंगा, साइन इन करूंगा, जैसे ही साइन इन करूंगा तो मुझे ये वाली मिल जाएगी, ये जो जार है, exe फाइल है JDK की, ये मिल जाएगी। देखो ये डाउनलोड हुआ। अब यार आपके केस में आप इसे डाउनलोड कर पा रहे हो? यस सर। मतलब अभी लॉग इन नहीं किया था, मैं लॉग इन करके कर लेता हूँ डाउनलोड।
ओके ओके, एक काम करते हैं, ये मीटिंग बंद कर देते हैं, शायद ना लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं इसको हाँ कर रहे हैं शायद से। तो आपको ये डाउनलोड करना है और आप साइन अप कर लीजिए एक बार। सर, सर वो क्या वो आइडिया सीएल भी नहीं हो रहा था, कौन सा था? तो आइडियल सीएल ये जो 64 का ही मांग रहा था, वो इंटेलिजेंट इंटेलिजे है, ये आइडिया। ठीक इंटेलिजेंट आइडिया है वो। हाँ, आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है यहाँ पे, देन उसके बाद जैसे ही आपने डाउनलोड किया है आपको ये इंस्टॉलेशन करना होगा। तो मैं डाउनलोड में जाके इसका इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इसे रन एज करना है, रन एज करने के बाद इसे यस करना है। पहली जो स्टेप है जावा डाउनलोड, तो इसके आपके लिए ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं दे देता हूँ आपको, JDK। Java 8 पे क्लिक करना है, ये टैब पे विंडोज, और जो आपको चाहिए इसमें से, अगर 32 बिट है 32 बिट वाली है, और 64 बिट वाली। ये यूआरएल मैं आपको यहाँ पे नोट्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये आपको साइन अप करने के लिए पूछेगा, साइन अप। ये साइन अप करने के बाद, साइन अप एंड लॉग इन, देन सेकंड है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड में, आपका जो भी डाउनलोड है, डाउनलोड में इसको राइट क्लिक करके ओपन करोगे या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, फिर ये ऐसी विंडो ओपन होगी, इसे आपको नेक्स्ट करना है। देन अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 या 3 मिनट जावा इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो मोस्टली आप लोग
जेडीके 8 ही डाउनलोड कीजिए। मैं आपके नोट्स में यहाँ पे जावा डाउनलोड यूआरएल, आपको जो भी ओरेकल का साइन अप है ये साइन अप करना होगा और वापस से साइन इन करना पड़ेगा, ओरेकल साइन अप एंड लॉग इन करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड होगा। जेडीके विल डाउनलोड इन डाउनलोड फोल्डर, देन आपको इंस्टॉलेशन के लिए फॉलो स्टेप्स करनी है। ओपन योर जेडीके, ओपन जेडीके, ओपन जेडीके, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करोगे आपको ये वन टाइम जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको ये फाइनल वाला आएगा, डेस्टिनेशन फोल्डर है और समथिंग, तो इसे फाइनली आपको नेक्स्ट करना है, सेकंड नेक्स्ट रहेगा। और ये एक या दो मिनट टाइम लेगा, देन सेकंड नेक्स्ट है ये। देन थर्ड स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन की, आपकी फाइनल वाली जावा कॉन्फ़िगर करना जरूरी होता है। अगर आपको इसे नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड से इसे रन करना है तो फाइनली ये जब इंस्टॉल होगा तो ये ऐसी विंडो आपको दिखाई देगी, इसे क्लोज कर देना है। आप एक बार चेक करना आपके जो फोल्डर है, सी ड्राइव में जाना है आपको, कंप्यूटर ओपन करना है, दिस पीसी, सी ड्राइव, और सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको चेक करना है कि जावा आपका इंस्टॉल है या नहीं। ये देखो ऐसे जावा का फोल्डर आपको दिखना चाहिए और यहाँ पे जो आपने जेडीके या जो जावा इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दिखेगा तो समझ लेना जावा इंस्टॉल्ड है। देन वापस से आपको चेक करना है तो रन कमांड ऐसे रन टाइप करना है, स्टार्ट क्लिक करके, स्टार्ट रन, और रन पे क्लिक करके आप सीएमडी टाइप करो और यहाँ पे सिर्फ जावा लिखो। अगर ऐसा बड़ा सा कुछ आ जाता है तो इसका मतलब है कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसे कंपाइल और यूज करने के लिए आपको जावा का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जावा का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये जो आपने इंस्टॉलेशन किया है इसके अंदर जाना है, आपको बीन के अंदर जाना है, देन ये जो पाथ है इसे पूरा सिलेक्ट करके, ये पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करना है ऐसे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये पूरा सिलेक्ट करके इसे कॉपी कीजिए। पहले कॉपी करके आपका जो दिस पीसी या माय कंप्यूटर है इस पे क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दिस पीसी या माय कंप्यूटर आपके इस पे जो रहेगा, इस पे प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे आपको नाम देना है ऐसे जावा, वेरिएबल नेम जावा, होम, मैं यहाँ पे होम टू दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है इसलिए, और यहाँ पे वो पाथ आपको पुट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पाथ दिखाई देगा, ये वाला पाथ, ऐसे पाथ वेरिएबल नीचे सिस्टम वेरिएबल में, यहाँ पे आपको आके एडिट करना है पाथ को, पाथ सिलेक्ट रख के एडिट करना है, एंड यहाँ पे आपको वो जो है वो आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे वैल्यू, एंड देन ओके ओके ओके। आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट करो, आपका जो जावा है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप अभी क्या कर सकते हो, कोई भी ड्राइव में एक फोल्डर बनाइए, हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन भी डन हो चुका है।
पहले जावा डाउनलोड किया, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जावा इंस्टॉलेशन भी हो चुका है, जावा कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ है। अभी सैंपल प्रोग्राम जो आज के लिए जो फोर्थ वाला था, सैंपल प्रोग्राम ये हम लोग करेंगे, हेलो वर्ल्ड का वर्ल्ड प्रिंट करके सैंपल प्रोग्राम। तो ये करने के लिए आप, आपको जहां पे फोल्डर या आपको जो फाइल है ये सेव करनी है, यहाँ पे आप सेव कीजिए, मैं एक फोल्डर बना के उसमें सेव करूंगा। न्यू फाइल कर लेते हैं और यहाँ पे जावा का एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, पब्लिक क्लास फर्स्ट ऐप, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, ये sample program कर रहे हैं, इसके बारे में और जानेंगे हम लोग, बस इतना करना है। और आपको output में hello लिखना है, तो इसलिए system dot out dot println hello world hello all, इस तरह से लिख के हम लोग इसे सेव कर देते हैं। इसको सेव कर दो आप, और सेव करते टाइम पे जो आपने क्लास का नेम दिया है वही आप फाइल का नाम दीजिए। मैं यहाँ पे आपका जो फोल्डर है उसी में दे देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ JBPL09, और इसके अंदर वो फाइल जो है मैं सेव कर देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट ऐप डॉट जावा, दैट्स इट। इसे सेव करेंगे, ये आपका सिंपल आज का जो टॉपिक था हम लोग जावा डाउनलोड और जावा इंस्टॉलेशन और जावा कॉन्फ़िगरेशन है। आज हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि सच में हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग वो फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने वो फाइल सेव की है। तो फाइल जो है मैंने ये वाले ड्राइव में सेव की है, फोल्डर का नाम है JBPL09, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके CMD ओपन कर देता हूँ। इस फाइल को कंपाइल करेंगे जावा सी कंपाइलर से, जो यूज करते हैं जावा सी कमांड, और फर्स्ट ऐप डॉट जावा जो फाइल का नाम है। कोई एरर नहीं है, आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए जावा और फर्स्ट ऐप, तो इसने बोला है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट ऐप, प्लीज डिफाइन अ मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें हमने इसको एरे नहीं दिया था इसीलिए उसने वो एरर दिया था। वापस से इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी फर्स्ट ऐप डॉट जावा, जावा फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप, देखो ये हेलो ऑल आ चुका है, इसका मतलब हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है।